बताइए यहाँ पे पूजा अर्चना करने आए हैं, किस तरह की व्यवस्था है? यहाँ की व्यवस्था बहुत अच्छी है, हर साल से बहुत अच्छा व्यवस्था है। जिस तरह हर साल थोड़ा इधर उधर था, उससे कहीं ज्यादा इस बार बहुत भव्य यहाँ की मूर्तियाँ, यहाँ की दृश्य इतनी सुंदर है, इतनी चकाचौंध कर देने वाली यहाँ पे मूर्तियाँ बनती है कि आदमी बहुत भीड़ लगा के इकट्ठे होते हैं। और श्रद्धालु से क्या कहना चाहेंगे आप, इस तरह से शांति पूर्वक आए, शांति बनाए रखे, पूजा करे यहाँ और अपनी मन्नतें मांगे, उनकी हर मन्नतें यहाँ पूरी होती है। जो भी अपने सच्चे दिल से यहाँ माता रानी से कुछ मांगने आती है, उनकी मनोकामना यहाँ माता रानी जरूर पूरी करती है। क्या नाम हुआ आपको? पुष्पा देवी। दुर्गा पूजा के मौके पे कब से आप यहाँ पे दुकान लगा रहे हैं और ग्राहकों का किस तरह का रिस्पॉन्स? हम तो अगले साल से लगा रहे हैं, लेकिन अगले साल वैसा बढ़िया नहीं रहा, इस साल लगाए हैं कि अगले साल का कमी बेसी जो इस साल निकल जाए, माता के कृपा से जो हो जाए। नौमी पूजा है, हाँ कल दसवीं पूजा है, हाँ दो दिन लग रहा है आप लोगों की दुकानदारी होगी? दो दिन का दुकानदारी तो हम लोग को बढ़िया लग रहा है कि बढ़िया बिक्री बच्चा होगा, बढ़िया दुकानदारी होगा। किस किस तरह का मेनू रखते हैं अपने? मेनू में है पापड़ी चाट, मिक्सचर चाट, पनीर चिल्ला, बर्गर, पनीर बर्गर, चाउमीन, पनीर चाउमीन, वेज चाउमीन, यही सब। लोगों से क्या कहना चाहेंगे, क्या फील कर रहे हैं लोग? लोग तो बढ़िया से खा रहे हैं, बढ़िया से आ रहे हैं अभी। क्या नाम हुआ आपको? गणेश दास, गणेश कारीगर। नमस्कार, स्वागत है आपका नजरिया न्यूज में, मैं हूं आपके साथ मोहम्मद अजहरुद्दीन। दुर्गा पूजा का आज नौमी पूजा है और अभी हम मौजूद हैं सहरसा शहर के थाना चौक पे, जहां पिछले तकरीबन 40 वर्षों से दुर्गा पूजा का आयोजन हो रहा है। आप देख सकते हैं सार्वजनिक दुर्गा पूजा समिति कार्यालय थाना चौक सहरसा में के पास हम मौजूद हैं और यहाँ पे आप देख सकते हैं भव्य माँ दुर्गा का जो है उनकी प्रतिमा बनाई गई है और काफी संख्या में शहर के जो श्रद्धालु है यहाँ आते हैं पूजा अर्चना करने के लिए। और यहाँ कई तरह के कार्यक्रमों का यहाँ भी आयोजन किया गया है इस दुर्गा पूजा को लेकर के, संध्या आरती का भी आयोजन रहता है। और आप देख सकते हैं सड़क के दोनों साइड जो आज दुर्गा पूजा के खास मौके पे मेले का भी यहाँ पे आयोजन पिछले 40 वर्षों से किया जाता है, दोनों साइड से दुकान लगाई गई है कि जो भी श्रद्धालु आएंगे तरह तरह की पूजा सामग्री का यहाँ पे व्यवस्था है और भी कई तरह का व्यवस्था है, बच्चे के लिए तरह तरह के खिलौना का यहाँ व्यवस्था है और विभिन्न प्रकार के यहाँ पे दुकान लगाए गए हैं। काफी संख्या में यहाँ श्रद्धालु पहुँचते हैं पूजा अर्चना करने के लिए और सार्वजनिक दुर्गा पूजा समिति कार्यालय के जो अध्यक्ष है उनसे भी हम जुड़ना चाहेंगे और जानेंगे और मालूम हो कि ये आदर्श सदर थाना सहरसा के मुख्य द्वार के सामने ये मेले का आयोजन तकरीबन 40 वर्षों से हो रहा है लगातार और काफी ये समाज में यहाँ का जो मेला है आपसी स्वार्थ का परिचय देता है। तो समिति के यहाँ पे अध्यक्ष हैं उनसे भी हम जुड़ते हैं किस तरह से विधि व्यवस्था की गई है। बताइए, तकरीबन 40 वर्षों से यहाँ पे मेले के आयोजन होता है, काफी शालीनता से यहाँ पे मेला होता है और श्रद्धालु काफी संख्या में पूजा अर्चना करते हैं, इस बार किस तरह से तैयारी आप लोग किए हैं और क्या कहना चाहेंगे? देखिए, तैयारी पूजा तो हमारे श्रद्धा पर्वती हर एक साल की भांति हुई होती है और श्रद्धालुओं के लिए सुरक्षा व्यवस्था यहाँ ज्यादा करते हैं, जिसके वजह से श्रद्धालु ज्यादा के ज्यादा संख्या में यहाँ पधारते हैं। दसवीं के रोज हमारे रोड पर चलने के लिए आपको जगह नहीं मिलेगा हमारे पंडाल के आगे, शायद बहुत आदमी ऐसे है जो दर्शन भी नहीं कर पाते हैं माता का, इतना काफी भीड़ रहता है दर्शन करने वाले, इससे ज्यादा और कुछ नहीं। स्थानीय प्रशासन का किस तरह से सहयोग मिलता है? स्थानीय प्रशासन का जो मेला ठेला में जिस तरह से चलता है बराबर, कहीं वो हर एक पंडाल के लिए जैसे है वैसे हमारे लिए भी है। असामाजिक तत्वों से क्या कहना चाहेंगे, उनके लिए किस तरह के यहाँ पे? असामाजिक तत्वों से मैं यही कहना चाहूंगा कि आप जहाँ कहीं कुछ भी करते उसे मुझे नहीं मतलब है, लेकिन हमारे थाना चौक पंडाल में अगर आपको कहीं भी किसी भी प्रकार से देख लिया जाएगा तो आपको बख्शा नहीं जाएगा। आप यहाँ श्रद्धालुओं के लिए पूरी सुरक्षा की इंतजाम की गई है, हमारे वॉलंटियर, पुलिस प्रशासन और साथ में किसी नजर सीसीटीवी कैमरा भी लगी है। शहर के लोगों से क्या अपील करना चाहेंगे किस खास मौके पर? शहर के लोगों से भी यही अपील करना चाहेंगे श्रद्धालुओं से कि यहाँ आवे, शांतिपूर्ण रूप से माता का दर्शन करे, आशीर्वाद ले और अपने अपने घर जाए। क्या नाम है? मेरा नाम सामंत कुमार रिंकू, अध्यक्ष सार्वजनिक दुर्गा पूजा समिति। आपने सुने अध्यक्ष की जुबानी जो उन्होंने कहा किस तरह की विधि व्यवस्था की गई है और
और लगातार यहाँ पे वो मॉनिटरिंग कर रहे हैं और खुद से देख रहे हैं कि श्रद्धालु काफी संख्या में यहाँ पहुंच रहे हैं, उन्हें किसी तरह की कोई परेशानी नहीं होना चाहिए। यहाँ समिति के कुछ युवा सदस्य भी हैं, उनसे भी हम जुड़ते हैं। बताइए, लगातार 40 वर्षों से यहाँ पे दुर्गा पूजा का आयोजन हो रहा है, आप लोग बतौर वॉलंटियर भी यहाँ पे जो युवाओं की टीम में दर्जनों लड़के यहाँ पे लगे रहते हैं, तो किस तरह का क्या महसूस हो रहा है और इस बार किस तरह की विधि व्यवस्था बनाए रखे हैं? हम लोग लगातार आज 8 साल से यहाँ माँ के दरबार में सेवा कर रहे हैं और जिस तरह से हर साल देखा जाता है कि यहाँ हजारों की तादाद में भीड़ होती है और माता के दर्शन करने के लिए लोग जुड़ते हैं, उसी तरीके से इस बार भी मेला का भीड़ बढ़ रहा है धीरे धीरे। और हम लोग की तरफ से सुरक्षा और सबको एक समान सेवा देने का जो कार्य है वो किया जा रहा है, और साथ ही साथ हमारा सामने में थाना है, उनसे भी बहुत सारा सहयोग मिलता है। और इस बार हम लोगों ने एक खास आयोजन करवाया, कल भी था वो आयोजन महाआरती का, और आज महाप्रसाद का भी आयोजन करवाया जा रहा है। तो इसी तरह से हम लोग सब मिलकर इस पूजा को भव्य और आकर्षित बनाते हैं। इतना ही हम लोगों से क्या अपील करना है? लोगों से यही अपील करते हैं कि आप लोग मेला आए और शांति पूर्वक से मेला को सफल बनाएं, माँ का दर्शन करें और मेला का आनंद उठाएं। आप सभी को, मेरा नाम शिवम कुमार श्रीवास्तव, उप सचिव सार्वजनिक दुर्गा पूजा समिति, आप सभी को दुर्गा पूजा की ढेर सारी शुभकामनाएं। क्या कहना चाहेंगे बतौर वॉलंटियर आप यहाँ पे लगे हुए हैं, लोगों से क्या अपील करेंगे? लोगों से यही अपील करेंगे कि आप मेला आए, मेला घूमे, माँ का दर्शन करें और शांति पूर्वक मेला को सफल बनाए। हम लोग 5 सालों से सेवा में लगे हुए दिन रात मेहनत कर रहे हैं। आम सहरसा वासी सादर आमंत्रित है और हर कल भी आरती का महाआरती का आयोजन किया गया, आज भी महाआरती का आयोजन किया जा रहा है जिसमें सभी लोग सादर आमंत्रित है, मेला में और मेला का आनंद ले। अनिकेत कुमार, मैं उप सहाध्यक्ष सार्वजनिक दुर्गा पूजा समिति थाना रोड। यहाँ पे जो वॉलंटियर लगे हुए हैं जो पूजा समिति के हैं, उन्होंने भी कहा, लोगों से लगातार अपील कर रहे हैं और वो पैनी नजर बनाए हुए हैं कि किसी तरह के कोई असामाजिक तत्व यहाँ पे किसी तरह की कोई परेशानी खड़ा ना करे। जो श्रद्धालु हैं आप देख सकते हैं यहाँ माँ दुर्गा के शरण में काफी संख्या में यहाँ श्रद्धालु हैं जो पिछले तकरीबन 40 वर्षों से यहाँ आ रहे हैं और पूजा अर्चना कर रहे हैं। हम कुछ लोगों से भी जुड़ना चाहेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि किस तरह से वो यहाँ पे पूजा अर्चना कर रहे हैं और व्यवस्था को लेकर के किस तरह से क्या कहेंगे, अर्चना करने आए हैं, किस तरह की व्यवस्था है और कैसे दुर्गा पूजा मना रहे हैं? बहुत अच्छी व्यवस्था है, हम लोग काफी संतुष्ट हैं इससे, काफी अच्छी साफ सफाई और भीड़ को जो मैनेज किया जा रहा है काफी अच्छा है यहाँ का। लोगों से क्या अपील करना चाहेंगे? लोगों से अपील करेंगे कि बस ये है कि गंदगी ना फैलाए, धक्का मुक्की ना करें, लाइन से आए, और हमारी कोई अपील नहीं है। हमारा नाम रितेश तोमर हुआ, नया बाजार सहरसा से। तो यहाँ युवा श्रद्धालु भी जो आए हैं माँ के दरबार में दर्शन करने, वो भी लोगों से अपील कर रहे हैं कि शांति पूर्वक आए, आपसी प्यार मोहब्बत बना के आए, और जो 40 वर्षों से जो ये समाज में यहाँ का जो पूजा समिति है अपना एक मिसाल कायम कर रहा है, इस बार भी पूजा का आयोजन बेहतर तरीके से हो।